हैलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग सो आप कह रहे थे कन्वर्जेंट डवरजेंट सीरीज़ लिय टेस्ट ठीक है सो so, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में लिबनेट्स टेस्ट ऑल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट जो बोलते हैं वो भी करवा चुके हैं एंड एक अपना जमेटिकल सीरीज टैस्ट हो गया जो इस भी आप देखा ना ਉਹ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਫਾਰ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੀ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਫਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮਸ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ठीक है भी पॉजिटिव टर्म सरीज़ दोनों है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ लैट के उ पॉजिटिव कॉन्सटेंट है जरा इनडिपेंडेंट है एन एम कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजम ना जो ए सीकुएस है ए एन ए बी एन तो है छोटा ए एन लैस दैन इक्वल टू के बी एन यानी लैस दैन या फिर इक्वल टू है यानी कि दिस इज द समॉल सीकुएंस यू लिख सकते एंड दिस इज द बिग सीकुएंस ये कहने की कोशिश की है कि जो लैस हैगा दैन तुम्हें की करना ये बिग वाला सिकुएस ना बी एन यू चैक करना जे कन्वरजेंट आ ना दैन यॉल वाला ये कन्वर्जेंट होएगा क्लीयर हो रहा तू कर हो रहा उन्हें की कहने की कोशिश की कि जे साडे कोल जरा ए एन आैस दैन हैगा बी एन यानी कि जो बी एन वाला बिग है युवुएंस व्डा है तो तुम्हें व्डे वाले चैक करना कि जो व्डे वाला कन्वरजेंट होएगा ना तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होएगा ही होएगा अगेन दस रही हाँ एन एक समॉल सीकुएंस है मतलब समॉल कहने का मतलब कि ये तो लैस आ less than equal to ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ স্মਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ 빅 ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਸੀਂ 빅 ਵਾਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਐਂਡ ਟੈਂਡ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲਿਮਟ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਵ ए ए जड़ा, जड़ा तो जे एक कन्वर्जेंट है ना तो सी सिकुवेंस वो भी कन्वर्जेंट होएगा ठीक है पहला केस है दूसरी गल उन्हें यह की जो सिक्युंस एन लेना जे वह बिग है कि तो है। नालो? बी एन नालों तो ये बिग है योल तो बिग वाल चैक किया ठीक है जे बी एन सॉरी इतने समॉल वाले देखना जो समॉल वाला डायवरजेंट आ दैन ए एन भी की होगा डायवरजेंट होगा क्लीयर हो रहा तू कि ਇਥੇ ਬਿਗ ਕੌਨ ਸੀਗਾ ਬੀ ਐਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਏ ਐਨ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ স্মੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਥੇ ਆਪਾਂ স্মੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬੀ ਐਨ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬ कन्वर्स है वो ट्रू है कि जो मैं इस केस कहे ए एन कन्वर्जेंट का बी एन भी होएगा नो इट मे बी कन्वर्जेंट और नॉट ए श्योर नहीं है बट हाँ जे बी एन कन्वर्जेंट आते एन कन्वर्जेंट होएगा ही होएगा मैं तभी यदि एक होर बहुत सिंपल फॉर्म दिखाई है इत देखो साढ़े को है लटसे इत थोड़ा जहा मिस प्रिंट है इतना है बी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एन ग्रेटर दैन जीरो ठीक है सिकुएंसा पेल जीरो तो ग्रेटर दैन बी एन बिग ए एन समॉल हूँ ए बिग वाला जो बिग वाला कन्वरजेंट आ तो मतलब समॉल वाला भी कन्वर्जेंट होएगा बट जे इतन डायवरजेंट आ ठीक है तो मतलब कि ए वाला समॉल वाला दे देता जो ए डायवरजेंट आिग वाला भी डायवरजेंट होएगा यदि बिल्कुल सिंपल फॉर्म इतने मैं लिखण की कोशिश की ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਗ ਲਿਆ ਲਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਲਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿੱਗ ਵਾਲਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਮਾਲ ਵਾਲਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਲ ਵਾਲਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਆ ਤੇ ਬਿੱਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੀ ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1/n ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ 1 ਹੈ तो यह कन्वर्ज करेगी सीरीज जे पी लैस दैन इक्वल टू वन फिर डवर्ज करेगी क्लीयर हो रहा तहु कि यह आ पी टैस को बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक मास्टर ग्रेडर क्वेश्चन पुट किया भी गयािशन वन पॉइंट एनदी पावर पी ए जी सीरी आठ ठीक है एक सीरीज आ, सीरीज़ आ एक... कदों कनवर्ज करेगी कदों डवर्ज करेगी जो पाव जो इतनी पावर दिती है एन दावर पी दिती है जो पी ग्रेटर दैन वन आ कन्नवर्ज करेगी जो लैस दैन इक्वल टू वन आते डायवर्ज करेगी क्लीयर आ जी चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दें तो थो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोई डाउट नहीं रहेगा सो so, एक क्वेश्चन करा तो पहला ना मैं तो कुछ क्वेश्चन करवाइनी वाले देखो जो थो सिकुंस दिता हुआ समिशन वन तो इनफिनिटी वन पॉइंट फोर प्लस थ्री दावर एन ठीक है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ bn ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਈਦਾ ਆਪਾਂ bn ਲਿਖ ਲਿਓ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ bn ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਰੀਏਬਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 1 ਲਿਖ ਲਓ نیچے ਜਿਹੜਾ ਵਰੀਏਬਲ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਹਦਾ ਡਾ ਆ ਗਿਆ bn ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ 1/3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦਨ ਹੋਏਗਾ 4 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜੇ 3 n 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਦਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 3 n ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਵियस ਟੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਕੇ ਸੋ ਥਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ 빅 ਥਿਸ ਇਜ਼ স্মਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ओके okay. सो so, यानी कि आप हम बिग वाले चैक करिए बीएन बी एन देख लें जो बी एन करेगा तो समॉल वाला भी कन्वर्ज करेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट टेस्ट, ते जे फिर आप समॉल वे देखते हुए दे, जो डिवर्ज करता तो फिर बिग वाला भी डिवर्ज करता आप इतना देखते दे पे बिग वाले बिग वाले, वाले देखना तो दे आराम वन पॉइंट थ्री द पवर एन ठीक है ना यही बन जाएगा वन पॉइंट थ्री पावर है थ्री 1, 1 .3 पावर वन वन पॉइंट थ्री दावर टू वन पॉइंट थ्री द्री अपू सॉरी चला जाएगा तो ध्यान आप देखो दी सीरीज बन रही आर्द, है जोमैट्रीकल सीरीज जिस आर आर की वैल्यू कि वन बाय थ्री तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो करा चुकी हूँ कि जो कोई जमैटिकल सरीज बनती पई है जो उसे आर दैल्यू जी यानी कि कॉमन रेशो लैस दैन वन आ रही है तो वो सीरीज हमेशा की करेगी कन्वर्ज करेगी क्लीयर जो हूँ कन्वर्ज कर गई तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट ये टैसट बिग वाला जो समॉल वाला सिक्युएसा एन ए भी की करेगा कन्वर्ज करेगा क्लीयर है जी ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/n ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ ਸਮੂਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 1/n ਦੀ 큐ਬ 5 ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1/ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ वेरीएबल है नीचे एन द क्यूब वेरीएबल सो ये कोई बी एन आ जाएगा ठीक है बी एन क्डन का तरीका सो ये बी एन आ गया समिशन वन एन टू इनफिनिटी वन पॉन एन द्यूब ओबियसली ग्रेटर दैन होएगा ना वन पॉन एन द्यूब प्लस फाइव यानी कि एन दी क्यूब कुछ ऐड करा डिनोमीनेट जो कोई चीज़ वाली है तो ओबियसली छोटी हो जाती है पता है तहत क्योंकि उदा तो जो मैं गल करा एन द क्यूब प्लस फाइव ग्रेटर दैन होएगा ना ਦੇਦੀ ਐਂਡ ਦੀ ਕਯੂ ਪਲੱਸ 5 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦੀ ਕਯੂ ਬ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲਿਖਾਂਗੀ ਤੇ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸੋ a bn ਬਿਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬਿਗ ਵਾਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਬਿਗ ਵਾਲਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਪੀ 1/n ਦੀ ਪਾਵਰ p ਵਾਲੀ p ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 3 ਪੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ p ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਯਾਨੀ 3 ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇ p ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ p ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗੀ सो so क्लीयर है ना, करना. Okay. ना so, 1, तो देखो किजन जस्ट कमेयर करना नैक्स क्वेश्चन बड़े सारे क्वेश्चन देखने आप टें्लीयर हो जाएगा सो एन इक्वल टू वन टू इज टू पावर एन सू तो पावर एन प्लस एट इतने आप वेरीएबल देखो ए वेरीएबल उपर टू की पावर है ना नीचे वेबल की है ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ 2/7^n ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ bn ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ bn ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਵਰੀਏਬਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n نیچے ਵਰੀਏਬਲ ਕਿਹਨਾਂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਸ 2/7^n ਤੇ ਆਬਵੀਅਸly ਨਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n/7 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆਬਵੀਅਸly ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n/7 ਦੀ ਪਾਵਰ n+8 ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ ਆਬਵੀਅਸly ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ gp ਬਣ ਜਾਏਗੀ

summation n 1 to, to infinity log n n ٹھیک ہے سو جی ایتھے ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ log ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ log ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ bn ਦੀ ਜਿਹੜੀ વેਲਿਊ ਹੈਗੀ 1 n ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਆ 1 n ਆ ਜਾਏਗੀ ওকে ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ bn obviously ਇਹ ਜਿਹੜਾ bn ਹੈ ਇਹ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ log n n ਨਾਲੋਂ ठीक है ना क्योंकि लॉग एन उपर का उपर तो वैल्यू गई ना तो ये लैस दैन इक्वल टू हो जाएगा ये नो तो योल वाला मैं चैक कराँगी हूँ जो समॉल वाला मेरे को हैगा बी एन तो अकॉर्डिंग टू तो पी टैस ये समॉल वाला की करेगा डावरज करेगा क्योंकि तो पी एन दिन की पावर वन है तो पी इक्वल टू वन तो आप पढ़ के आए पी टैस जो पी दैल्यू वन है वो अकॉर्डिंग डाइवर्ज करता क्योंकि पी जो ग्रेटर दैन वन होंगे कंडवर्ज करता अदरवाइज लैस दैन इक्वल टू वन और डावर्ज करता है ना यहाँ पी टैस करके आएँ सो so, जे ए डायवर्ज कर गया तो तुंकूँ पता एन भी की करेगा डवर्ज करेगा ठीक है ना नैक्स क्वेश्चन समिशन वन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी एन प्लस फाइव अपॉइन एन स्केयर इतने देखो उपर वेबल एन है नीचे एन स्केयर तो यू कट के वन अपॉइन एन आ गया बी एन तो अकॉर्डिंग टू पी टैस पी दैल्यू वन ना डायवर्ज कर तो ए एन भी करेगा डवर्ज करेगा सौख्या so, एक कोश्चनवाड़े लिए क्वेश्चन मैं करके दिखा क्लीयर है जी सो हूँ असं वाले क्वेश्चन से चलते हैं उन्होंने देखते हैं कितना करने है गे? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਆ ਸਮਿਸ਼ਨ a n 1 1.3 3 5 5.7 ਸੌਰੀ 5.7 5 5 9 9 11 ਹੈ ਦਿਸ ਇਸ ਨਾਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ a p ਦਾ ਬਣਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਟਰਮ 1 n 1 ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ 1 5 9 ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹਦੀ 3 7 11 a p ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ b n ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਦੇਖੋ बी एन इतने वेरीएबल उपर की है एन क्लीयर नीचे वेरीएबल देखो एक तो दो दो है एन स्केयर लिख सी सिर्फ वेरीएबल चुके बस हो नहीं कॉन्सटेंट ही ना लेने ये आ गया uh, एक एन ए एक एन ए तो एन एक एन एक एन कट गई तो वन बाय की रह गया साढ़े को बी एन ठीक है एन हूँ एन आ गया ठीक है is obviously काफी सारी वैल्यूज इथे ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਜੋ ਬੁੱਕ ਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ bn ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ bn ਉਹ ਹੈਗਾ 1 n n ਦੀ ਪਾਵਰ 1 an di power 1 an di power 1 according to p test to e bn ki karega dharj karega e bhi gaya to je e dharj karega to joda given sequence oh bhi ki karega dharj karega idda vi kar sakde ha ya inna de according an upon bn kar lo te e kar lo fir limit n tend to infinity kar lo je oh ek इतने तुम्हें दे रहा वन पॉइंट एट जिदा आ गया ठीक है तो मतलब कि यानी दोनों कन्वर्ज कनवर्ज कर टूगैदर डायवर्ज करे इतों पता चल जाएगा क्योंकि एक ताे को वैल्यू आ जाती है फिर अकॉर्डिंग टू तो बी एन देख लो जो दे मर्जी टैस्ट तो वन पॉइंट एन सब डायवर्ज करता तो एन भी करेगा डायवर्ज करेगा नैक्सट देखो गिवन सीरीज तूिया व जी दी हुई है वन पावर वन बाय टैन अपू सोन कितने पावर वन पॉइंट टैन तक ए स्कीयर मतलब अपू एन स्केयर तक जाएगा सो Uh, पेल तेन इधर लिखा एन दवर वन पॉइंट टेन पॉन एन स्क्योअर तो येगा वन पॉन एनदी पावर नाइनटीन ओवर टैन ठीक है तो मतलब एनदी पावर नाइनटीन बाई टैन विच इज़ ग्रेटर दैन वन तो अकॉर्डिंग टू तो पी टैस यहाँ कन्वर्ज कर रहा है सो सिंपल इतने पी टैसट ही लग गया ना सीरीज तेरे को पी टैस वाली आ गई नैक्सट ए वाला है पहला सिक्वेंस बना लो अंड टेन तक जा रहा नीचे इन ई पी अकॉर्डिंग टू एन प्लस

हूँ तुम्हें पता पी टैस के अकॉर्डिंग ये हुआ, वन बाय टू आ वन बाय टू लैस दैन वन यवरज करेगा जो डायवर्ज करेगा तो ए एन वाला भी डायवर्ज करेगा क्लीयर हो रहा तूी है कुछ ज़्यादा औखा नहीं है सिमीलरली वाला क्वेश्चन देखो टू थ्री फोर अपू सोन जा रहा ए पी तो यह बना लिया एन प्लस वन नीचे एन दावर पी जा रहा तो इतने पहला बी एन कर लो बी एन की हुंदा? उपर देखो वेएबल एन आ नीचे वेरीएबल एन की पावर पी आ तो वेसी सेम नीचे पावर माइनस यानी पावर, 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 पावर पी माइनस वन आ गया ए एन पॉन पी एन किया एन पॉइन बी एन किया तो यह साई लिमिट एन एन टू इनफिनिटी कराती एक कॉन्सटेंट मतलब एक डेफिनेट वैल्यू आई फाइनट वैल्यू यानी कि दोनों ज कन्वर्जे या डाइवर्ज करे सो बी एन चैक किया वन अपॉन एन की पावर पी माइनस वन हूँ तहुन पता है यी पावर पी माइनस वन आज जे तो ग्रेटर दैन वन आ गई तो कनवर्ज कर देना यानी कि इफ पी ग्रेटर दैन टू ठीक है कर गया तो डवर्ज कदों करेगा जो यही पी माइनस वन लैस दैन इक्वल टू वन मतलब पी लैस दैन इक्वल टू टू लिए डवर्ज कर जाएगा तो पी ग्रेटर दैन टू ले कन्वर्ज कर जाएगा पेपर चो पूछेगा तुम्हें कि दोनों पूछ सकता ना मतलब के लिए कन्वर्ज करता कि डवर्ज करता तो है कुछ नहीं है उही वाली है चीज़ा यूज हो रही द्वारा द्वारा ਕਨਸੈਪਟਸ ਸੂ ਹੀ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ 기ਵਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ p 3 ਦੀ ਪਾਵਰ p 4 ਦੀ ਪਾਵਰ p 5 ਦੀ ਪਾਵਰ p ਤੋਂ 2 3 4 5 ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AP ਬਣ ਜਾਏਗੀ AP ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਰਸਟ ਟਰਮ n 1 ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 100 ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ p ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 1 2 3 4 ਫਰਸਟ ਟਰਮ 1 ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 100 n 1 d ਡਿਫਰੈਂਸ q ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ n 1 ਦੀ ਪਾਵਰ p n ਦੀ ਪਾਵਰ q ਤੇ bn ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ n ਦੀ ਪਾਵਰ p नीचे वेरिएबल की एन दी पावर q तो अपॉन अपन नीचे जाके माइनस हो जाएगा q माइनस पी आ गया फिर एन अपॉन बी एन कर दिया आप तो लिमिट एन टी वन आ गया तो तो यह मतलब ये नॉन जीरो तो फाइनाइट आ दैट मीनस कन्वर्ज करेंगे करेंगे या टुगेदर डाइवर्ज क्लियर टूगैदर यानी कि एक जो कन्वर्ज करेगा दूसरा भी कन्वर्ज करेगा तो, एक डायवर्ज दूसरा भी डाइवर्ज करेगा सो इतों आप बीएन देख लो हम वन अपॉइन एन पावर क्यू माइनस पी तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट जी पावर है जीता ग्रेटर दैन वन हो गई ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪਾਵਰ ਲੈਸਰ 1 ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਡਿਵਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਲੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 1 ਦੀ ਪਾਵਰ k 3 ਪਾਵਰ k 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ k ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ AP ਬਣਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਟਰਮ n 1 ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਆ 100 ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਕਿਨੇ ਸੀ 3 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ 1 3 5 ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਦਾ ਪਾਵਰ k ਇਹਦੀ 3 5 7 3 ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਕਾਮੇਡੀਸ਼ਨ 3 5 ਸਾਰੇ ਚ 2 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ k ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ bn ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ n ਦੀ ਪਾਵਰ 3 نیچے ਦੇਖੋ n ਦੀ ਪਾਵਰ k ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਇਥੇ ਐਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰੀਏਬਲ ਇਹ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ k 3 ਵਰੀਏਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਸ an bn ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਈਨਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਥ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਡਿਵਰਜ ਕਰਨਗੇ ਟੁਗੇਦਰ ਸੋ bn ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੀ 1 n ਦੀ ਪਾਵਰ k 3 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਨ 1 ਨਾ ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਨ 1 ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ k ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਨ 4 ਲਈ ਕਨ ਉਰ ਲਈ ਹੈ ਤਵਜ ਕਰ ਜੇਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 1 1 2² 2² 3³ 3³ 4⁴ ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦਾ 1 2 3 n ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਚੱਲੀ ਜਾਨੀ n ਦੀ ਪਾਵਰ uh, n ਤੇ نیچے ਜੇ 1 ਨਾ ਤਾਂ نیچے 2 1 1 2 ਆ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ n ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ n 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ bn ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੇ ਦੋਨੇ ਵਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ 1 n ਆ ਗਿਆ ठीक है इतना एन पावर एन कॉमन क्डिया होना अकॉर्डिंग आ गया होना तो डिवाइड करके साज़ फाइनलट एंड नॉन जीरो कोई वैल्यू आ गई टेस्ट तो हूँ बी एन किसी वन बाई एन तुम्हें पता है डवरज कड़ता अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट क्योंकि पी की वैल्यू वन आ पी दैल्यू वन लिए डवरज करेगा तो ए एन भी डबरज करेगा नैक्सट इद्द है एन स्केयर प्लस एन प्लस वन पोन एन दावर फोर प्लस वन ठीक है अगेन इतने देखो बी एन पहला कड़ लो बी एन की होंगे हम देखो बी एन आपको किदा कड़ते होंगे पावर तो कड़ते हैं ना पावर कि दिती है स्केयर दो पावर दती है ठीक है नीचे पावर कि फोर दिती है मैक्सीम लै लें आप तो कट के साथ वन पॉइंट एन स्केयर लै रह गया तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट तुम पता जोड़ा डवर्ज करेगा तो फिर दूसरे ने भी सॉरी कन्वर्ज क्योंकि पी ग्रेटर दैन वन तो कन्वर्ज करेगा तो एन ने भी कन्नवर्ज कर देना ठीक है नैक्सट क्वेश्चन देखो ए एन इक्वल टू वन पॉइंट थ्री एन माइनस वन क्लीयर तो इनू भी तुम उद ही करना है बी एन देख लो ऊपर वे एबल व है ही नहीं कोई वन ही ले ला नीचे वरीएबल एको एन ही है वन पोन एन वन पोन एन तुम्हें पता है डायवर्ज करता है जे डायवर्ज करेगा तो ये भी डवर्ज करेगा सिंपल भी तो है, ठीक है बस एक वारी आ चेक कर लेना वैसे मोस्ट ऑफ द फाइन एट एंड नॉन जीरो ही हूँ ठीक है देखो पीटैस के अकॉर्डिंग डायवर्ज करेगा तो ई एन भी डायवर्ज करेगा नैक्सट इदी है समीन वन पॉइंट एन स्केर प्लस ए स्केरयर तो ई एन ए दिता बी एन वन पॉइंट एन स्केर दिता हुआ जे तो मैं 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 मूँ पहला कुछ सम करना तो उद्दा भी कर लो कि तुम्हें पता ही हूँ वन पॉइंट एन स्केयर आ ठीक है यबियसली ग्रेटर दैन होएगा वन पॉइंट एन स्केयर प्लस ए स्केयर तो ये बिग वाला बिग वाले चैक कर लो जो बिग वाला डायवर्ज करता तो ये भी डिवर्ज करेगा बट हूँ इतने एन दवर स्के इत बिग वाले देख लो वन पॉइंट एन स्केयर आ पी द पवर ग्रेटर दैन वन आ मतलब ये करेगा तो यह भी करेगा सिंपल ही है बहुत जल्दी भी देख वाला ठीक है सो ये है वन पॉइंट एन दी पावर पी एन इत देखो एन दी पावर पी एन दावर पी है ना मल्टीप्लाई होकर एन दी पावर टू पी बन जाएगा ना तो ये देखो फिर एन दी पावर टू पी ओबियसली उस कुछ हूँ बी एन न है ना वेगा वन पॉइंट एनदी पवर टू पी ओबियसली ग्रेटर दैन होएगा वन पॉइंट एनदी पावर टू पी प्लस वन तो है ना वाली चीज़ तो सो so, मतलब सीधी गलत फिर उठो टू पी हम टू पी पता है पावर टू पी आज ग्रेटर दैन वन हो जाएगी कन्वर्ज कर जाएगा जो जा लैस दैन वन होगी डवर्ज कर जाएगा टू पी ग्रेटर दैन वन हो पी ग्रेटर दैन वन बाय टूस कि मतलब लैस दैन वन बाय टू यो तो गए हमने ये भी देखो किजी है एन दिता वन पॉइंट एन इन टू एन प्लस वन बी एन कड़ना बी एन वन पॉइंट एन की पावर स्केर आ गया ओबीयसली है ना इन ओपन कर लो तो मैंने ये भी लिख सी वन पॉइंट एन स्केयर प्लस एन ओबियसली वन पॉइंट एन स्केय प्लस एन लैस तो नहीं होगा वन पॉइंट एन स्केयर तो यह बिग सिक्वेंसा बिग सिक्वेंस डायरैक्ट चैक करो पी द पावर की है एन द पावर पी किन इत टू यानी कि ग्रेटर दैन वन यानी कन्वर्ज कर रहा तो यह भी करेगा अकॉर्डिंग टू जो बिग इतने ग्रेटर दैन साइन पा ਇਗ੍ਰੇਟਰ ਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਿਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ স্মੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਨਵਰਜ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਟ ਐਂਡ ਟੈਂਟ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਮਕ ਸੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੀ ਐਨ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਨਾ ਕਿ 1 ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ 1 ਕ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ठीक है तो बिग सीकुएंस चेक कर लो वन पॉइंट के तहत पता डवर्ज करेगा क्योंकि पावर वन न, जो डवर्ज करेगा तो दूसरा भी डवर्ज करेगा सिमिलरली है कि ए प्लस थ्री पॉइंट के स्केयर माइनस के प्लस वन तो बी एन कर लो ऊपर पावर के नीचे की है मैक्सिमम के स्केयर कट के वन पॉइंट के अगेन ये यवरज करता तो गिवन सीक्ुंस भी डवर्ज करेगा ठीक है पी टेस्ट के अकॉर्डिंग नैक्सट इदी है वाला ए वाले तो मैं तहत उद्दा किसी भी तरह एन टेन टू इनफेंटी करवा के भी करा सद देखो इतें पावर कि मैक्सीम फाइव नीचे मैक्सीम पावर कि सैवन तो बी एन कि वन पॉइंट एन स्केयर ओबियसली जरा एन स्केयर है य ग्रेटर दैन होएगा ये सारिया पावरस मतलब तो, य ग्रेटर दैन होएगा दिस गिवन सिकुएस तो ठीक है हम वाक्वेंस है वन पॉइंट एन स्केयर अकॉर्डिंग टू पी एथ टू आ यानी कि ग्रेटर दैन वन आनी कन्वर्ज करेगा जो कनवर्ज करेगा तो गिवन सीकुएंस भी कन्वर्ज करेगा सो विद शॉर्ट ट्रिक भी आराम हो जाते देख लो उपर पवर एनस्केर अंजे भी पावर एनस्केयर ठीक है कट्ट हो गया तो वन पॉइंट ए टू माइनस टू इतने जीरो आ जाएगा वन पॉइंट एन पावर जीरो ठीक है किसी पावर जीरो वन होंगे यानी बी एन इतों कि आ गया वन आ गया ठीक है हूँ एखो य जो वन आज थोड़ा जहा होगा कि सू चेक करना पड़ेगा ठीक है वन पॉइंट एन दावर जीरो आ मतलब वन में वन पॉइंट एन की पवर जीरो ले लिया जीरो मतलब पी दैल्यू लैस दैन वन लैस दैन वन मतलब डायवर्ज कर दी है जो डवर्ज करेगा तो गिवन सीक्ुएंस भी डावर्ज करेगा नैक्स सिमिलरली ये खुद भी ट्राई करना कुछ पसंद ठीक है स्क्रीन शॉट लै लो एंड खुद ही ट्राई करना बाकी मैं टैलीग्राम के चैनल पर भी ये सारे शेयर कर देंगी वाली पी डी एफ शेयर कर देंगी ठीक है सो तीस उ भी देख लेना सो so, ये भी गिवन हैगा एक टैस्ट देखो उ बार बार रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन है कि तुम प्रैक्टिस कर लो ठीक है यश्चन खुद तुम्हें प्रैक्टिस करना है कुछ भी नहीं गए बहुत ईजी है तो इतने भी बीएन एन तुम्हें क्डना चाहिए उपर वेबल देखो पावर वन नीचे मैक्सीम पावर टू हैगी कट के वन बाय एन आ गया बस इन चैक करो वन बाय एन कर दा तो पता ही है तो गिवन सीकुएंस भी डायवर्ज करेगा सिमिलरली ये एन पावर वन बाय टू आ नीचे एन दावर टू आ टू माइनस वन बाय टू वन अपॉन एन दावर टू माइनस वन बाय टू दैट इज़ थ्री बाय टू ठीक है थ्री बाय टू बस चैक करो थ्री बाय टू पी दैल्यू टू थ्री बाय टू ग्रेटर दैन वन कन्वर्ज करेगा तो गिवन सीकुएंस भी कनवर्ज करेगा ਮੈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰਮਸ ਆਉ ਤੁਸੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਇਸੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਕਐਨ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਈ ਅਨ ਡਿਵਰਜ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਐਕ ਵਾਈ ਐਨ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਨ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਐਕਸ ਐਨ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾਈ ਐਨ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਪੋਇੰਟ ਐਨ ਸਕੁਐਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੁਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਇਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ ਉਨੇ ਉਹ ਡਵਰਜ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਟ ਸੇ 1/n ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਲੱਸ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹ ਡਵਰਜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ xn yn yn ਇਜ਼ ਅ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੇ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਨਾ ਆਈਦਰ ਬੋਥ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਥ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਟੂ ਦੀ ਸੇਮ ਲਿਮਟ ਜੇ ਐਕਸਨ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਲੇਟ ਫਾਈਨਟਲੀ ਥੈਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਨ ਵਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਮਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਲਜ਼ਨੋ ਵਿਸਟਰਸ ਥੀਰਮ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਬਾਉਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਰ ਬਾਉਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਸ ਹਰ ਬਾਉਂਡਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹ नैक्स कोची सीक्वेंस बारे थोड़ा पता होना चाहिए ये तो भी थ्यूरम बन दिया ठीक तो है एक सीक्ुएस एक् एक्स एन कोची सीक्ुएंस कहने इफ़ एपसायलन ग्रेटर दैन जीरो हा एवर समाल देर एग्जिस अ पॉजिटिव इंटीज डिपेंडिंग अपॉन एबसायलन सच दैट एक्स एन माइनस एक्स एम लैस दैन एबसायलन फॉर एवरी एन कॉम एम ग्रेटर दैन के ठीक है रिजल्ट याद कर लिये तो यह है प्रूव दैट कन्वर्जेंट सीकुंस हमेशा ही कोची सीकुंस होंगे जिन्हें भी कन्वर्जेंट हमेशा होंगे कोची ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਨਵਰਜਨ ਬਸ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਚੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਫੋਰ ਅ ਕਨਵਰਜ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ कोई नसैसरी तो सफिशियंट कंडीशन किसी कन्वर्जेंट सीकुंस नहीं होने कि की चाहिए कॉची सीकुंस यानी कॉची सीकुंस कन्वर्जेंट होएगा ही होएगा ठीक है बाकी तो आपके कर ले वही कंपैरिजन टेस्ट सारा सा हो गया बस इन चंगी तरह कर लेना जो वीडियो पसंद है मैं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दस्या करो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी